साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ब्यूटीफुल और गॉर्जियस अभिनेत्रियों ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को अपनी अदाकारी से खूब रोशन किया और वहां पर अपनी सफलता के खूब झंडे गाड़े हैं। तभी तो ये सभी अभिनेत्रियां साउथ की सुपरस्टार अभिनेत्रियां बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि साउथ से आने वाली इन सभी अभिनेत्रियों ने साउथ के बाद अब बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का सितारा चमकाया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग से खूब नाम कमाया है, पर शायद ही आप सभी उनके बारे में जानते हों। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको साउथ की उन अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का सितारा चमकाया है। तो चलिए मिलते हैं उन अभिनेत्रियों से। नंबर वन, श्रुति हसन। मैं हूँ लकी द रेसर जैसी कई साउथ इंडियन फिल्मों में अपनी अदायगी का जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री श्रुति हसन ने साउथ के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया है और ये गब्बर इज बैक और रमैया वस्तावैया जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिनमें इन्होंने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग का खूब जलवा बिखेरा है। नंबर टू, तमन्ना भाटिया। बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का खूब सितारा चमकाया है। जी हाँ, ये हमें हिम्मत वाला और एंटरटेनमेंट जैसी फिल्मों में नजर आई हैं, जिसमें इन्होंने अपनी मजेदार अदाकारी का खूब जलवा बिखेरा है। नंबर थ्री, काजल अग्रवाल। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने पहले तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का सितारा चमकाया और अब ये बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का सितारा चमका रही हैं। जी हाँ, इन्होंने अब तक दो लफ्जों की कहानी और सिंघम जैसी फिल्मों में काम किया है, जिसमें इनकी एंटरटेनिंग एक्टिंग का हुनर देखने को मिला है। नंबर फोर, असिन थोटूमल। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री असिन थोटूमल ने अपनी इम्पैक्टफुल एक्टिंग से साउथ में तो खूब नाम कमाया ही है, साथ ही इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी इम्पैक्टफुल अदाकारी का खूब सितारा चमकाया और गजनी, रेडी और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्मों में काम किया। नंबर फाइव, तापसी पन्नू। कंचना 2 जैसी साउथ इंडियन फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री तापसी पन्नू ने बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का सितारा चमकाया है और पिंक, थप्पड़ और हसीन दिलरुबा जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम करके इन्होंने दर्शकों को अपनी एक्टिंग से खूब एंटरटेन किया है। नंबर सिक्स, विद्या बालन। साउथ की कुछ फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री विद्या बालन की बात करें तो इन्होंने तो अपनी अदाकारी का इस कदर जलवा बिखेरा है कि आज इनके लाखों करोड़ों दीवाने इनके पीछे पागल हुए घूमते हैं। जी हाँ, बता दें कि इन्होंने बेगम जान, हमारी अधूरी कहानी और शकुंतला देवी जैसी फिल्मों समेत ढेरों सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी से सभी को इम्प्रेस भी किया है। नंबर सेवन, जेनेलिया डिसूजा। ऑरेंज जैसी कई साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी अदाकारी का भी खूब जलवा बिखेरा है और इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का खूब सितारा चमकाया है। जी हाँ, इन्होंने बॉलीवुड में कई सारी हिट फिल्में दी हैं, जिनमें तेरे नाल लव हो गया और जाने तू या जाने ना जैसी कई फिल्में शामिल हैं। नंबर एट, श्रेया सरन। साउथ की खूबसूरत इंटेलिजेंट अभिनेत्री श्रेया सरन की बात करें तो इन्होंने साउथ में तो काफी नाम कमाया ही है, साथ ही इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का सितारा जमकर चमकाया है और आवारापन के साथ साथ दृश्यम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। नंबर नाइन, कृति सेनन। सिंघम पेट्टी जैसी साउथ की फिल्मों में नजर आई खूबसूरत अभिनेत्री कृति सेनन ने साउथ की फिल्मों में तो अपने एक्टिंग का जलवा बिखेरा ही, साथ ही इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का सितारा चमकाया और चमका रही हैं और बॉलीवुड में लुका छुपी, बरेली की बर्फी और मिमी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और लगातार आज भी काम कर रही हैं। नंबर टेन, इलियाना डिक्रूज। साउथ की ढेरों फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का सितारा चमकाकर बादशाह, बर्फी और रुस्तम जैसी कई सुपरहिट और बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, आप इन सभी अभिनेत्रियों में से किसकी फिल्में देखना ज्यादा एंजॉय करते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।